आज के समारोह में असम सरकार के सिंचाई नगरी एवं विभाग के मंत्री श्री अशोक सिंघल जी, गुवाहाटी मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री सुशील गोयल जी, आज के समारोह के स्वागत अध्यक्ष कैलाश काबरा जी, जयप्रकाश गोयनका जी, रमेश गोयनका जी, अशोक धानुका जी, जिनकी आज गोयल यूनिवर्सिटी में मुझे जाने का मौका मिला, श्री अशोक पंसारी जी, विजय डागा जी, महावीर जैन जी, प्रवेश काबरा जी, मंच पर विराजे सभी अतिथिगण, मारवाड़ी समाज के अलग अलग राज्यों के आए सभी विशिष्ट भाइयों बहनों नौजवान साथियों, आप सभी को मां कामाख्या देवी के इस पुण्य स्थल की धरती पर अष्टमी और नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गुवाहाटी की यह धरती जो पूर्वी प्रदेश का प्रवेश द्वार है, जहां की मनोरम घाटियां, यहां की सुंदरता, यहां की ब्रह्म नदी और विशेष रूप से अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचार, उन सारी विविधताओं के अंदर ये प्रदेश पूरे देश के अंदर अपनी अलग पहचान बनाता है और उस अलग संस्कृति के अलग पहचान में हमारे मारवाड़ी भाइयों ने बहनों ने अपनी कड़ी मेहनत, परिश्रम, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और इस धरती पर अपने कर्मयोग से यहां के सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया है। यहां पर मुझे जब जानकारी मिलती है कि कई पीढ़ियों से लोग यहां पर आए हैं, कोई राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए हैं, कोई हरियाणा से आए हैं, कोई अन्य प्रदेशों से आए हैं, जिनकी कई पीढ़ियां यहां पर उस विकट परिस्थिति में आई थी, न यहां का भाषा का ज्ञान था, न यहां का खान पान था, न यहां की संस्कृति की जानकारी थी, लेकिन कर्मयोगी के रूप में यहां पर आए, पूरी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर, गांवों के अंदर, ढाणी के अंदर आकर अपना व्यापार किया, उद्योग लगाए, कई लोगों ने रोजगार किया, लेकिन एक कर्मठ व्यक्तित्व के धनी के रूप में जिस क्षेत्र में भी काम किया, अपने कठिन मेहनत और परिश्रम के कारण अपना स्थान इस समाज में बनाया। आज पूर्वी प्रदेश के किसी भी प्रदेश के हिस्से में चले जाएं, दूर दराज के उस इलाके में भी चले जाएं, मैं कई
पूर्व प्रदेश के इलाकों में गया हूं, मैंने देखा है कि मारवाड़ी समाज के परिवारों की संख्या बहुत कम है, लेकिन उसके बाद भी उस प्रदेश के अंदर अपने सामाजिक योगदान के कारण, अपने सामाजिक दायित्व की संस्कृति संस्कार के कारण उस समाज में अपना स्थान बनाया है। ये बात सही है कि इस गुवाहाटी असम के अंदर बड़ी संख्या के अंदर यहां पर मारवाड़ी समाज के लोग हैं, कई पीढ़ियों से हैं, लेकिन आज भी यहां पर समाज के अंदर अपने सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए, समाज में जब भी कोई संकट आए, चुनौती आए, विपदा आए, आपदा आए, उस समय हमारी संस्कृति संस्कार ही सामाजिक सेवा के रहे, उसके लिए आपने व्यापक योगदान दिया है। और इसीलिए आज संपूर्ण समाज आपका व्यापक सम्मान करता है। कई लोग कहते हैं कि कोई भी आपदा आ जाए, कोई भी संकट आ जाए, कोई भी चुनौती आ जाए, मारवाड़ी समाज के लोग हमारी संकट चुनौती में हमारे साथ खड़े रहे। वंचित, गरीब, अभाव में रहने वाले लोगों की मदद के लिए खड़े रहे। और इसीलिए कोरोना जैसी वैश्विक चुनौती के समय भी, जब दुनिया के अंदर मानवीय बड़ा संकट था, उस समय आपने मानवीय सेवा का पुण्य का काम किया, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। यह हमारा कर्म भी है, यह हमारा दायित्व भी है, यह हमारा संस्कार है कि देश के अंदर किसी भी हिस्से के अंदर जब कभी भी कोई संकट आता है, आपदा आती है, विपदा आती है, तो देश के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले मारवाड़ी समाज के लोग, मुझे आज गुजरात के भूकंप की घटना, जब चेन्नई का नौजवान वहां पर सेवा करने गया, गुवाहाटी का नौजवान वहां पर सेवा करने गया, उत्तराखंड के अंदर आपदा आई, देश के किसी भी हिस्से में आपदा संकट आती है, उस आपदा संकट के समय मारवाड़ी समाज का व्यक्ति अपनी संस्कार और संस्कृति के कारण उस आपदा संकट के समय सहयोग के लिए खड़ा रहता है। इतना ही नहीं, जिन जिन क्षेत्रों के अंदर जो भी अभाव देखे, संकट देखे, जहां स्कूल नहीं था आपने स्कूल बनाया, जहां चिकित्सा के केंद्र नहीं थे वहां हॉस्पिटल बनाया, राहगीरों के ठहरने के लिए धर्मशाला बनाई, राहगीरों को प्यास बुझाने के लिए प्याऊ लगाए, अन्न भंडार चलाए, अनाथ बच्चों के लिए अनाथालय खुलाए, वृद्ध के वृद्ध आश्रम खुलाए, जहां भी आपको लगा कि समाज में ये अभाव है, इन अभाव वंचित लोगों को हमें मदद करने की आवश्यकता है, आपने केवल मारवाड़ी समाज के नहीं, संपूर्ण समाज की सेवा करने का काम किया। आप कई लोग नौकरी करने आए थे, कई छोटा व्यापार करने आए थे, परिस्थितियां बदलती गई, अपनी मेहनत कठिन परिश्रम के बाद आपने अपने व्यापार को बढ़ाया, उद्योग को बढ़ाया और काफी लोगों को रोजगार देने का काम किया। ये भी एक बड़ा पुण्य का काम है। और जिस देश के अंदर, जिस प्रदेश के अंदर उद्योग, व्यापार,
सर्विस सेक्टर का व्यापार, अनिश्चित के व्यापार, उसके अंदर आपका व्यापक योगदान रहा, जिसके माध्यम से उस प्रदेश और देश का विकास हुआ। किसी भी देश और प्रदेश के विकास का पैमाना वहां के आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण से नापा जाता है। और मारवाड़ी समाज के लोगों ने कई उदाहरण, घर से खाली लोटा लेकर आए थे, लेकिन अपने कर्मयोग के कारण बड़े उद्योग इंडस्ट्री लगाकर वहां पर देश के अंदर लोगों को रोजगार देने का काम। आज आवश्यकता इसी बात की है कि देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं, किसी प्रदेश में चले जाएं, प्रदेश की सरकारों का प्रयास होता है कि हमारे यहां पर लोग इंडस्ट्री लगाने आए, व्यापार करने आए, ताकि यहां पर बेरोजगारी समाप्त हो सके, लोगों को रोजगार मिल सके। और ये दायित्व हमने बेखूबी रूप से अलग अलग प्रदेशों के अंदर जाकर इंडस्ट्रीज लगाई, व्यापार उद्योग खोले, सर्विस सेक्टर के अंदर काम किया, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम किया। ये भी एक सामाजिक पुण्य का बहुत बड़ा काम है। और मारवाड़ी समाज के लोगों ने देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये पुण्य का काम किया, इसके लिए भी आपको मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आज आवश्यकता इसी बात की है कि किस तरीके से हम अपने प्रदेश का, अपने देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन कर सकते, क्योंकि आजादी के 75 वर्ष हमें हो गए हैं। और इस आजादी की 75 साल की गौरवशाली यात्रा के अंदर जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हमारा समाज में और दायित्व बन जाता है कि हम इस देश के सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। और अमृत महोत्सव के अंदर हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि हम इस देश को, इस प्रदेश को दुनिया के अंदर सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश बनाना चाहते हैं। और जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश को अन्य प्रदेशों से आगे सामाजिक और आर्थिक लोगों के जीवन को परिवर्तन करते हुए उस प्रदेश को विकास की दृष्टि से, सामाजिक इंडेक्स की दृष्टि से, व्यापार उद्योग इंडस्ट्रीज से आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा है। जब हम इस अमृत महोत्सव के अंदर इस संकल्प के साथ काम करेंगे कि मेरा भी इस देश के लिए कोई ना कोई दायित्व है, मेरा भी इस प्रदेश के लिए कोई ना कोई दायित्व है, जब इस सामूहिकता के साथ हम काम करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले 100 साल के अंदर भारत दुनिया का सबसे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का सबसे आगे बढ़ेगा। ये ताकत हमने देखी है वैश्विक कोरोना के समय, ये ताकत हमने देखी है, सामूहिकता की ताकत देखी है, संकल्प की शक्ति को हमने देखा है, किस तरीके से कोरोना वैश्विक महामारी के अंदर दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जिनका आर्थिक और सामाजिक ढांचा चरमरा गया, वह हमारे विकास में हमारे से कई आगे थे, चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमसे आगे थे। हम इतनी बड़ी आबादी का देश होने के बाद भी हमने इस वैश्विक कोरोना जैसी चुनौती का सामूहिकता के साथ मुकाबला किया, संकट के साथ मुकाबला किया और दुनिया को दिखा दिया कि किस तरीके से वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं और सारे विश्व की मदद भी की और भारत के हर जन जन को जहां भी अभाव देखा वंचित देखा है। और ये सामूहिकता की संकल्प शक्ति ही इस देश को आगे बढ़ा पाएगी। आज हमारे देश का नौजवान विश्व के अंदर नेतृत्व कर रहा है, हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका नया इनोवेशन, नवाचार
दुनिया देखिए किस तरीके से हमारा पढ़ने वाला नौजवान स्टार्टअप करके दुनिया के अंदर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान ढूंढ रहा है, लोगों का जीवन सहज हो, सरल हो, सुविधाजनक हो, उन सारी चीजों का समाधान ढूंढने का काम हमारा नौजवान कर रहा है। इसलिए हमें हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता पर विश्वास है। अब समय आ गया है कि हम हमारे बच्चों को इस नवाचार, नए काम, नए स्टार्टअप की ओर उनको प्रेरित करने का काम करें। हमारी पीढ़ी ने यह बात सही है, बहुत कष्ट सहा, बहुत कठिनाइयां सही, बहुत चुनौती सही है। हमसे पहले वाली पीढ़ी ने और चुनौतियों और कष्ट सहा है, लेकिन उस कष्ट चुनौतियों संकट के समय भी हम जब कल्पना करें 400 साल पहले, 300 साल पहले, 200 साल पहले किस संकट और किस चुनौती के अंदर वो लोग आए हैं, लेकिन संकट और चुनौतियों के बाद भी उन्होंने यहां पर रहकर इसी समाज में अपने कर्मयोग, सामाजिक संस्कार, सामाजिक दायित्व के कारण एक स्थान बनाया, एक सम्मान पूर्वक उन्होंने लोगों के साथ रहकर अपना सम्मान बढ़ाया। ये हमारे पूर्वजों की ताकत, और इसी पूर्वजों की ताकत और संस्कारों को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम यहां पर काम करें, उद्योग करें, व्यापार करें, इंडस्ट्री करें, लोगों को रोजगार दें, लेकिन हमारा जो संस्कार और संस्कृति है कि समाज के अंदर जब भी अभाव वंचित में लोग हों, सबसे पहले अगर सेवा करने आए तो मारवाड़ी समाज का व्यक्ति है, ये हमारी संस्कृति पहचान हमेशा रहनी है। इसीलिए दुनिया के अंदर भी जहां भी मारवाड़ी समाज का व्यक्ति जाता है, किसी भी दुनिया के देश में चले जाए, वहां उनकी कर्म भूमि है, जन्मभूमि नहीं है, लेकिन वहां भी उन्होंने सामाजिक सेवा के कारण अपना स्थान बनाया। और भारत के अंदर भी अलग अलग प्रदेशों के अंदर जहां भी रहते हैं, मैं कई प्रदेशों में जाता हूं, मैं वहां देखता हूं कि संपूर्ण समाज के अंदर सामाजिक सेवा के अंदर अगर सबसे अग्रिम पंक्ति पर रहता है तो मारवाड़ी समाज का व्यक्ति है। मुझे आशा है ये दायित्व हम यहां निभाते रहेंगे और इसी तरीके से वंचित, गरीब, दुखी, दीन सेवा लोगों की सेवा करते रहेंगे। हम तो कहते हैं ना, जो कुछ भी कमाया है वह समाज को समर्पित है, यही हमारी संस्कृति है, और इस संस्कृति को अपना कर रखेंगे। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले लोगों की श्रेष्ठता के कारण, अपनी कर्मयोगी व्यवस्था के कारण, अपने मेहनत और परिश्रम के कारण आज गुवाहाटी में एक बड़ा स्थान बनाया। अशोक सिंघल जी हमारे बीच में बैठे हैं, सरकार के मंत्री हैं, कई लोग बैठे हैं जिन्होंने एजुकेशन में काम किया है, चिकित्सा क्षेत्र में काम किया है, व्यापार में किया है, सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर अपनी जन्मभूमि नहीं थी लेकिन कई लोगों की जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है, दोनों के दायित्व को निभाते हुए इस समाज को एक यथोचित सम्मान भी पाया है और इस समाज को देने का दायित्व निभाया। आपने मुझे यहां सम्मान किया, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने दायित्व को निभाता रहूं और हमेशा कोशिश रहती है कि किस तरीके से समाज में जो लोग हैं हमारे, वो इसी तरीके से सामाजिक सेवा का काम करते रहें। मुझे आशा है कि जब भी आप दिल्ली आएंगे तो मिलेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको संसद के अंदर, जब कभी संसद कोरोना के कारण हमने संसद की दर्शक निगाह को बंद कर रखा था, लेकिन मेरी कोशिश है कि बहुत जल्दी कोरोना भी समाप्त होगा तो आपको संसद देखने का मौका भी मिलेगा, ताकि आप देख सके कि किस तरीके से भारत की संसद अपने दायित्वों को निभा रहे, लोकतंत्र को सशक्त कर रही है, मजबूत कर रही है, किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, सामाजिक रूप से आगे बढ़ रहा है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन में आगे बढ़ रहा है, देश में अलग अलग इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर हर गांव ढाणी के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसी तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री
हेमंत बिस्वा जी के नेतृत्व में भी गुवाहाटी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मैं उनको भी शुभकामना देता हूं कि कम समय के अंदर उन्होंने जिस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करने का एक ढांचा तैयार किया है, मुझे लगता है कि असम अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया प्रदेश बनेगा। लोगों की अभाव वंचित लोगों को समस्याओं को दूर करने का एक नया प्रदेश बनेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।